पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि अभी इंटरफेस की बात चल रही थी, तो हम आगे इंटरफेस के देखेंगे। अभी मैं अपने स्ट्रक्चर को होल स्ट्रक्चर कर देता हूँ ताकि आइसोमेट्रिक व्यू में हम आसानी से देख सकें। नेक्स्ट मेरा था कि यहाँ पर लोड पेज आता है, तो लोड पेज पे मैंने क्रिएट करा और यहाँ पर मेरा एक पॉपअप खुलकर आया, लोड एंड डेफिनेशंस। अब देखिए, लोड एंड डेफिनेशंस क्या कहलाती है कि हम जो किस चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये सब हमारे डेफिनेशंस हैं। ये व्हीकल्स डेफिनेशंस हैं, हम जब व्हीकल्स वगैरह हाईवे वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो व्हीकल्स का हम डालते हैं इसमें पूरा फैक्टर्स। ये टाइम हिस्ट्री डेफिनेशंस हैं, जो हम बिल्डिंग है उसके अंदर हमारा जो एक लोड है, जो अगर हम जब अर्थक्वेक एनालिसिस करते हैं, अर्थक्वेक एनालिसिस के अंदर, अर्थक्वेक एनालिसिस भी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक भी दो तरह के होते हैं, डायनेमिक भी दो तरह के होते हैं। डायनेमिक जो दो तरह के होते हैं उसमें का एक पार्ट ही होता है टाइम हिस्ट्री डेफिनेशंस। हम विंड डेफिनेशन देते हैं जब हमारे स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमारा विंड आती है कोलकाता साइड, या फिर जहाँ पर विंड हमारी अप्लाई होती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम विंड भी हम एनालिसिस करते हैं, विंड विंड भी अप्लाई करते हैं, विंड फोर्स भी अप्लाई करते हैं, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर हमारा स्नो बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर हम स्नो लोड भी डालते हैं, तो स्नो लोड का हम ये इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस और लोड डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर हम इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस लोड डेफिनेशंस करने में। और दूसरा है मेरा कि सीस्मिक डेफिनेशंस, के अगर मैं सीस्मिक डेफिनेशन देता हूँ तो जो मेरा अर्थक्वेक है वो कैसे अप्लाई करता है। अब ये पुश ओवर, ये भी हमारा अर्थक्वेक का ही है। ये स्टैटिक एनालिसिस के अंदर दो जो पार्ट होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर, उसका एक पार्ट है पुश ओवर एनालिसिस। अब मैं ये जो भी आपको डेफिनेशंस बोल रहा हूँ, ये सब एक थ्योरेटिकल पार्ट है। इस सब का थ्योरेटिकल पार्ट का आपको नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब आप इसको एल्गोरिथम को समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट मैनुअली पता होना चाहिए। तो आपको अगर ये चीज़ समझनी है तो आप वो, मैं अगले वीडियो बना दूंगा सेपरेट वीडियोस के लिए, लेकिन अभी अभी हम सिर्फ इंटरफेस देखेंगे। डायरेक्ट एनालिसिस डेफिनेशंस हैं, लोड केस डिटेल है या लोड एनवेलप है। हम लोड केस डिटेल के अंदर डालते हैं कि हमारा लोड कौन कौन से अप्लाई करेंगे। डेड लोड अप्लाई करते हैं, लाइव लोड अप्लाई करते हैं, अर्थक्यूब हम अप्लाई करते हैं, विंड लोड अप्लाई करते हैं, स्नो अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ से बताना होता है कि अपने सॉफ्टवेयर को कि हम ये अपने जो लोड हैं इसको हम अप्लाई करेंगे। तो लोड एनवेलप, अब जो भी हम लोड लगाएंगे, जो भी हम लोड को अप्लाई करेंगे, उस लोड का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि खाली डेड लोड ही लग रहा है बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे जो लोड होते हैं वो सारे लोड एक साथ लग जाते हैं। डेड लोड तो होता ही होता है, बिल्डिंग का खुद का वेट, सेल्फ वेट डेड लोड में आता है। दूसरा, और भी डेड लोड होते हैं बिल्डिंग के ऊपर। तीसरा जो हमारे एक लाइव लोड होता है, एम्पेरिकल लोड होता है, सॉरी स्नो लोड होता है, ये सारे लोड लगते हैं। तो इन सब का एक अलग अलग हमारे IS 875 के पार्ट फिफ्थ है, उसके अंदर आपको वहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको वो दिखाऊंगा कहाँ से हम ये लोड्स उठाते हैं। देखिए, आपने अगर आप थर्ड ईयर में हैं, या आप जिसमें भी फाइनल ईयर में, या आप बीटेक कर चुके हैं या एमटेक कर चुके हैं, आपने सिर्फ अभी तक शायद मोस्टली स्टूडेंट को मतलब पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो स्टडी है वो सिर्फ एक ही कोड वगैरह के बारे में करते हैं, IS 456 2000। लेकिन हमारे जो बिल्डिंग्स है वो खाली एक कोड्स पे ही डिज़ाइन नहीं होती, उसके लिए फर्दर अलग अलग हमारे डिज़ाइन कोड यूज़ करते हैं। जैसे कि IS 875 है, उसके पांच पार्ट हैं। डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड है, स्नो लोड है, लोड ऑफ कॉम्बिनेशन है। हम IS 1893 2016 लेटेस्ट कोड है, जो कि अर्थक्यूब को हम डिज़ाइन करते हैं। अर्थक्यूब हम जो डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू विद दैट कोड के ज़रिए हम यूज़ करते हैं। और अब हमारा डिपेंड करता है कि कोड हमारा क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है, ताकि हमारा कोड से हम अपने पूरी बिल्डिंग को सेफ कर सकें पूरे तरीके से। अब जैसे कि अब हमें जो और डिज़ाइनिंग भी अलग अलग तरह के हम डिटेलिंग देते हैं। ऑर्डिनरी डिटेलिंग होती है, एक जैसे हम OMRF बोलते हैं, एक SMRF होती है, जिसे हम क्या डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तब हम अलग वीडियो में देखेंगे। और जैसे कि अब अगर बात करूँ
तो हम उसमें अलग अलग तरह के लोड हैं, एक 13920 2016 है डक्टाइल रिटेलिंग के लिए, एक जो कोड है हमारा SP16 है, एक SP34 है, इन सब कोडों को हम यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं वो आपको प्रोजेक्ट पर काम करने से पता लगेगा, कैसे आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। प्रोजेक्ट पर काम क्या होगा, मैं आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके साथ पूरा डीपली स्टडी के साथ मैं इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस करूंगा। एक बिल्डिंग को G+3 की बिल्डिंग होगी, वो पूरी बिल्डिंग को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करते हैं, क्या करा है हमने वो हम देखेंगे उसके अंदर, एक पूरा एक आपको इसके अंदर बताया जाएगा। तो वो सब है हमारे, तो लोड ऑफ कॉम्बिनेशन जो आएंगे वो उस कोड से हम कैसे बनाते हैं उसके मदद से हम देखेंगे। और लोड एनवेलप्स हम जो बनाते हैं लोड ऑफ कॉम्बिनेशन वो लेंगे। तो इसमें ये हमने एक एक करके इंटरफेस देखा, अब हम देखेंगे जैसे कि ये हमने सब इसकी बात कर चुके हैं, इसकी बात कर दी। अब देखिए हमारा, अब हम इस पर आते हैं, ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारे जो लोड ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे यहाँ पर शो करेंगे जब हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे। अभी जो चीज़ हमारी शो हो रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है एड बीम, अब जैसे कि मुझे बीम को ऐड करना है तो मैं इसे इससे लेकर इस नोट से मैंने ऐड कर दिया, तो ये हमारा बीम है, हम इसके थ्रू से हम इसकी हेल्प से हम इसको इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अभी ये हमारा, अभी मैं सिर्फ आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ कैसे हम करते हैं। अब देखिए दूसरा है ऐड फोर नोडल प्लेट्स, अगर मुझे फोर नोडल प्लेट को ऐड करना है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तीसरा है मेरा सरफेस का यूज़ करना तो मैं इसको यूज़ करूँगा, सॉलिड का लेना तो मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है, स्नैप नोट्स बीम चाहिए तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ये मेरा इस तरीके से ग्राफ आया था, हम इसकी मदद से भी देखेंगे कैसे हम बना सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सभी है, अब जैसे कि हम जो यूटिलाइज करते हैं ये होता है ट्रांसलेशनल रिपीट कहते हैं, ट्रांसलेशनल रिपीट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ट्रांसलेशनल रिपीट पर, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इसकी हमारा ये जो खुल रहा है स्टार्ट स्टेप वन स्टेप वन स्टेप स्टार्ट यहाँ से करा है, स्टेप वन स्टेप टू ग्लोबल एक्सेस लिंक्ड स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप, इस सब को ही हम यूज़ करते हैं अपने स्ट्रक्चर को यूज़ करने में।